नमस्ते व्यूअर्स, मैं मित्रलाल शर्मा, न्यूज़ 9 का चीफ ब्यूरो और आज सीधा प्रसारण करते हुए सिक्किम पाक्योंग स्थित सीनियर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मामरिंग से। और आज इस विद्यालय में गीता चंडी पाठ का आयोजन किया गया और इसमें जो आज हमारे मुख्य अतिथिगण जो शामिल हुए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री सीपी ढकाल जी और इस मामरिंग स्कूल के विद्यालय के प्रिंसिपल श्री प्रहलाद दबाड़ी। और आज इस गीता चंडी पाठ का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ इसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाई और इसमें अन्य कार्यक्रम भी किए गए। और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथिगण, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और इस समारोह को आगे बढ़ाने में बच्चों की बहुत सारी भागीदारी रही। और अन्य खबरों के साथ हमारे रिपोर्टर विवेश भंडारी आप सभी के समक्ष जुड़े रहेंगे। मैं मित्रलाल शर्मा, न्यूज़ 9 का चीफ ब्यूरो, आप सभी के समक्ष अन्य जानकारी के साथ हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार व्यूवर्स, मैं विवेश भंडारी, न्यूज़ 99 के सिक्किम संवाददाता। आज हम लोग पहुँचे हैं पाक्यम सब डिवीज़न अंतर्गत मामरिंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में और यहाँ पर आयोजन किया गया है श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का पाठ के लिए। और इसी विषय में सिक्किम चिन्मय मिशन के अध्यक्ष और उनसे हम इस गीता ज्ञान के विषय में हम उनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि हमारे इस संस्कृति में इसका क्या प्रभाव है और इसके बारे में वो हमें कुछ बताएंगे। सर नमस्कार आपको। नमस्कार। गीता हमारे जीवन का स्रोत है। गीता ने हमको जीवन कैसे व्यतीत करना है, कैसे खुश रहना है, कैसे कर्म करना है, कैसे ज्ञान लेना है, कैसे समाज को निर्माण करना है, कैसे देश को निर्माण करना है, कैसे व्यक्तित्व को निर्माण करना है, ये बात गीता सिखाती है। और सभी के अंदर एक शक्ति होता है, जब वो शक्ति को प्राप्त करता है वो ज्ञानी बन जाता है, तो सारा संसार को ज्ञान देता है। जैसे अब्दुल कलाम के अंदर इतना शक्ति था, उनके साइंटिफिक शक्ति को बाहर निकाल दिया तो भारतवर्ष ने इतना बड़ा प्रोग्रेस किया। ऐसा ही प्रोग्रेस स्पिरिचुअल एजुकेशन में बच्चे के सामने हो गया तो बच्चा भी बहुत ज्ञानी हो जाएंगे। जैसे गीता में बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र से विजय भूतिर धर्म नितिर मतिर मम। ये बोलते हैं कि जहाँ कृष्ण है और कृष्ण के साथ हम अर्जुन जैसे सिटीजन बन गए तो भारतवर्ष का वैसा ही विकास हो जाता है। केवल आर्थिक अवस्था अच्छा होने से सब कुछ नहीं होता है, स्पिरिचुअली वह तो आध्यात्मिक तौर से आदमी को आगे बढ़ना है तो खुद को भी जानता है और समाज को भी जानता है, देश के लिए वो कुछ काम कर सकता है। गीता में आज ये प्रोग्राम जो हुआ है, बच्चे लोग ने बहुत अच्छा से अपना गीता का 18 अध्याय का
पाठ प्रसन्न यहाँ बहुत अच्छा सा किया, यहाँ के गुरुजन यहाँ के आयोजक समिति ने बहुत अच्छा किया। गीता हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, भारतवर्ष के सब क्षेत्र में गीता को पठन पाठन करना बहुत आवश्यक है, स्कूल में भी, और आजकल तो फॉरेन कंट्री में हॉलैंड में गीता पढ़ाते हैं। हम लोग हमारा ही संस्कृति भूल गए हैं हम लोग ने, तो इनको पुनर्जागृत करके गीतामय भारत बनाना है। अभी हमारे साथ मौजूद है गीता शिविर के जो आयोजक समिति के जो शिक्षक हैं, वो हमारे साथ मौजूद है अभी, और हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर। सर आपको स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए कि हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं जो अभी यहाँ जो गीता पाठ सीख रहे हैं जी, उनका कैसा मतलब दृश्य दिखाई दिया आपको, उनका कैसा उद्देश्य दिखाई दिया, बच्चों का किस प्रकार का योगदान था गीता पाठ में, और आगे भी आप लोग इसी तरह आयोजन करते रहेंगे, इस विषय में हमें थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है जी। ये मैंने 2015 से मामरिंग माध्यमिक पाठशाला में शुरू किया था गीता शिविर, और इसमें पहले साल 50-55 जाना लोग विद्यार्थी पठन करते थे, और दूसरे साल भी वैसे ही हुआ, और 2017-18 में भी उसी तरह चला, और आज 18-19 में गीता श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय का 30 श्लोक पढ़ चुका है ना वो लोग ने विद्यार्थी ने, और मेरा मकसद है वो संपूर्ण गीता ज्ञान वो बच्चों को मैंने देने के लिए मैंने संकल्प किया है, और मैं करते रहूँगा, आज तक करते आया और भी करते रहेंगे।